हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका पास जेआईबी एग्जाम नवंबर 2019 एक्ट नाउ और नेवर, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं किया। देखिए, एक बात तो तय है, फॉर्म भर रखा होगा आप सभी लोगों ने। मैं आपको जो बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब बहुत लोगों के मन में भी सवाल है, मैं सारे सवालों के इस वीडियो में आपको जवाब मिल जाए, सारे ए टू जेड। बस वीडियो सुनते चलिए, शुरू से अंत तक आपको ए टू जेड सवाल मिलेगा। पहला सवाल कि मैंने फॉर्म भर दिया है जेआईबी का, ठीक है, वेरी गुड, फॉर्म तो भर दिया है जेआईबी का। अब मैंने अभी तक तैयारी नहीं किया है, क्या क्या फॉर्म भर दिया है जेआईबी का, अभी तक तैयारी नहीं किया, तो क्या यह संभव है कि मैं अभी पास कर सकता हूं? ठीक है, अब यह सवाल कब आता है? जब आपको कुड आई पास एग्जाम, ठीक है, क्या मैं एग्जाम को पास कर सकता हूं? ठीक है, अब सवाल है कितने दिन में, कोई बोल रहा है 30 दिन में, कोई बोल रहा है 20 दिन में, ठीक है, कोई बोलता है 15 दिन में, 7 दिन में, इवन वन डे बिफोर एग्जाम, ठीक है, एक दिन पहले एग्जाम के। ये सवाल सभी लोगों के मन में आता है कि भाई क्या मैं पास कर पाऊंगा अगर मेरे पास 30 दिन का समय है, 20 दिन का हो चाहे 15 दिन का हो, 10 दिन का हो, 7 दिन का हो, 1 दिन का हो, चाहे एग्जाम से दिन पहले ही भी मैं पास कर सकता हूं उनके लिए। देखिए, एक बात तो तय है कि आपने फॉर्म भर रखा है, दो आपने जो भी पैसे लगाए हैं वो तो लग ही गए हैं आपको। अब जब फॉर्म भर रखा है आपने, जब फॉर्म फिलअप कर दिया है, तो एग्जाम देने जाओगे ना मेरे भाई, एग्जाम देने जाओगे तो तय, एग्जाम लिखोगे आप। जब आप एग्जाम लिख रहे हैं और बिना प्रिपरेशन के लिख रहे हैं, अगर आप एग्जाम लिख रहे हैं बिना प्रिपरेशन के लिख रहे हैं या हाफ हार्टेडली, जिसको हम बोलते हैं आधे मन से तैयारी करके दे रहे हैं, तो फेल ही होंगे आप। ठीक है, अगर आप एग्जाम लिख रहे हैं आधे मन से तैयारी करके दे रहे हैं या आपको लग रहा है ऐसे सिर्फ जस्ट जाके चेहरा दिखा के पास कर जाएगा, तो नहीं होगा। ठीक है, ये सभी लोगों को मालूम है, सभी लोग जानते हैं, तभी तो जेआईबी दो बार तीन बार चार बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, पांच बार भी दे रहे हैं, नहीं हो रहा। ठीक है, कोई बात नहीं है, पर अगर आप लेट भी आए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। कहूं क्यों नहीं है वो मैं समझाऊंगा अभी आपको। 30 दिन हो चाहे 20 दिन हो चाहे इतना 15 दिन हो, 7 दिन हो, 1 दिन हो चाहे 1 दिन बिफोर भी एग्जाम हो, एक चीज तो हमेशा याद रखिएगा, जो जितना जल्दी प्रोग्राम को ज्वाइन करता है या कोर्स ज्वाइन करता है, चाहे जो जितना जल्दी पढ़ता है जेआईबी के लिए, ठीक है, जो भी जेआईबी का पेपर है आप उसके लिए जितना जल्दी आप पढ़ते हैं, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आप ये काम करते हैं, आप अपना पासिंग श्योरिटी बढ़ा देते हैं, पासिंग श्योरिटी इंक्रीजेस हो जाता है। सीधी सी बात है यार, जो बच्चा अगर मान लीजिए 6 महीना पढ़ा है, 6 महीना पढ़ रहा है जो बच्चा, उससे आप कैसे कंपेयर कर लेंगे? आप नहीं कर सकते, सच बात है। पर इससे ये नहीं होता है कि हम जो बच्चा एग्जाम से एक दिन पहले भी ज्वाइन कर रहा है वो पास नहीं कर सकता, कर सकता है, कर सकता है। 7 दिन पहले वाला लड़का पास कर सकता है, 15 दिन पहले वाला भी कर सकता है, 20 दिन पहले वाला भी कर सकता है, 30 दिन पहले वाला भी कर सकता है। हाँ, ये लड़का का प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ज्यादा है पास करने है, क्योंकि 6 महीने लगाए भाई, आप लगा रहे हो बहुत कम दिन, पर आप भी पास कर जाओगे। ठीक है, आप भी पास कर जाओगे, इस बात की मैं आपको बोल रहा हूं। कैसे करेंगे हम लोग उस पर आते, ठीक है, ये चीज समझना बहुत जरूरी था भाई, कि अगर आपके मन में ऐसा कुछ भी चल रहा है ना कि हम क्या होगा, इतना दिन है, ये है, वो है, तो भी आप पास कर जाएंगे। अब हम आते हैं कोर्स के ऊपर। ठीक है, आप जो वीडियो कोर्स कर रहे हैं, आप जो वीडियो कोर्स कर रहे हैं, ये लगभग 20 आवर्स का पर पेपर है। पर पेपर मतलब अगर 20 × 3 कर दीजिए, 3 पेपर होता तो 60 घंटा आपका हुआ। 60 घंटे की वीडियो है। ये भी पता है आपको, हर वीक में एग्जाम होता है, यानी मुझे एक ही वीडियो देखना है, पर पेपर एक वीडियो देखना। मान लीजिए मैं प्रिंसिपल ले लेता हूं, ठीक है, मान लीजिए कि मैं प्रिंसिपल ले लेता हूं, मुझे कितना देना होगा भाई, 20 घंटा। एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा, ये तो सबको पता है, सीधा सा चीज है, देना कितना है 20 घंटा। आप इवन चाहो तो एक दिन में भी पढ़ सकते हो, एक दिन में भी पढ़ सकते हो। ठीक है,
बीच में इतनी छुट्टी आ रही है, ठीक है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और लकली इस बार क्या हो गया आपको कि आपको नवंबर 3 के बाद सीधा नवंबर 17 को एग्जाम है, यानी यहाँ पे 14 डेज आपको मिल रहा है किस पेपर के लिए, अकाउंटिंग के लिए, जो सबसे टफ लगता है लोगों को, ठीक है, प्रिंसिपल के बाद अकाउंटिंग के लिए। और उसके बाद फिर 7 दिन के बाद यानी आपको नवंबर 24 को फिर आपका लीगल हो जाएगा, ठीक है, समझ गया बात। तो आपको यहां पे जो 14 दिन का भी टाइम इस बार ऐसा मिल रहा है कि आप पास करने की चांसेस बहुत बढ़ा देता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे पास करेंगे, तो मैंने आपको बताया जो आपका पूरा मैक मिलन बुक है, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैक मिलन बुक का प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ रहता है, ठीक है, उसका आपको A to Z आपको जो वीडियोस होते हैं जो 20 घंटे में आपको वाइंड अप करके मिला हुआ रहता है, और 20 घंटे में पूरा बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया हुआ रहेगा और आपको इतना अच्छा लगेगा पढ़ने में, मन खुश हो जाएगा और आप आराम से पास कर जाएंगे एग्जाम को, लिख लीजिए आराम से पास कर जाएंगे, ठीक है। तो एक बात जो था मन के अंदर आपको जो डाउट चल रहा होगा तो क्लियर हो गया, ठीक है। ये वीडियो कोर्स कितने देर का है, 20 घंटे का यार, 20 घंटा है तो एक दिन में भी 24 घंटा होता पकड़ लोगे। मानो कभी एक दिन की छुट्टी है, संडे छुट्टी हर दिन रहता है, संडे को आप क्या करो, सुबह बैठ जाओ या सैटरडे आओ रात से बैठ जाओ थोड़ा पढ़ाई करने के लिए, रात को कुछ पढ़ो सुबह फिर पढ़ लो, इस तरीके से करके आप पढ़ो। एग्जाम है मान लीजिए 20 दिन, तो खैर बहुत ज्यादा है, 30 दिन बहुत ज्यादा है, 10 दिन बहुत ज्यादा है, इवन मैंने आपको बोला ना एक दिन पहले भी अगर एग्जाम से आएंगे तो भी आप पास कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। जो जितना जल्दी ज्वाइन करेगा, मान लीजिए कोई आदमी 20 दिन पहले ज्वाइन कर लिया, 15 दिन पहले ज्वाइन कर लिया, वो उसकी पासिंग प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। सो बात की एक बात है, जितना अर्ली एज यू ज्वाइन इंक्रीज द चांसेस ऑफ पासिंग, ठीक है। आपको जब आंख खुले तब से ही सवेरा हो जाता है। अच्छा, एक लोगों के मन में सवाल और आएगा कि अगर सर हम फेल कर गए तो क्या होगा, होता है ना लोग मन में आएगा, मान लेते हैं कि आप फेल ही कर गए, ऐसा मान लीजिए आप फेल कर गए, तब अब क्या होगा। आपने कोशिश किया, पहला बात है कोशिश करके देना। एक छोटा सा स्टोरी और आपको बता देता हूं मैं, बहुत छोटा सा स्टोरी है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। पानीपत हरियाणा में एक जगह है, पानीपत में की लड़ाई बहुत फेमस है, पानीपत में 3 लड़ाई हुआ था, सिर्फ पहली लड़ाई की बात कर रहे हैं। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी उसमें मुगल साम्राज्य का जो सबसे पहला राजा था बाबर, उसकी लड़ाई हुई थी। बाबर अफगानिस्तान का रहने वाला था, अफगानिस्तान से भारत आ रहा था वो, क्योंकि अफगानिस्तान से उसको निकाल दिया गया था, चाहे बोल सकते अफगानिस्तान से जो दूसरे राजा होंगे वो उनको खदेड़ दिए, भगा दिए वहां से। अब ये बाबर जो है वो चले आ रहे भारत आए, भारत में उस समय शासन था इब्राहिम लोदी का, ठीक है, इब्राहिम लोदी, ओके। बाबर के पास सोल्जर्स सिपाही जो थे केवल 3,000 थे और इब्राहिम लोदी के पास था 2 लाख, ठीक है, 2 लाख। पानीपत की 2 दिन लड़ाई चली, पहले दिन की लड़ाई में जब बाबर के सिपाही ने देखा जो मात्र 3,000 थे, उन्होंने देखा 2 लाख सिपाही तो उनका होश उड़ जाएंगे किसी को भी देखने के बाद, वो उल्टे पांव भाग आए। बाबर ने सीधा बोला कि जो आएगा सिपाही यहां पे उसके सर कलम करा दिया जाएगा, ना सर काट दिया जाएगा। तो सिपाही ने सोचा मरना इधर भी है मरना उधर भी है तो क्यों नहीं लड़के मरे, और ये उनका हौसला था कि 3,000 के सिपाही 2 लाख के सिपाही पे भारी पड़ गए और बाद में मुगल साम्राज्य भारत में आ गए, ठीक है। तो दिस इज नोन एज विल पावर, आपके अंदर कितना पावर है ये डिपेंड करता है विल पावर। अगर विल पावर आपके अंदर बहुत स्ट्रांग है, कोई दुनिया की शक्ति नहीं है भैया जो आपको रोक देगा, विल पावर होना चाहिए। करना है तो करना है, इसको हम बोलते हैं विल पावर, फिर आपको कौन रोक लेगा यार, कोई रोक लेगा, ठीक है। छुट्टी होगा आपके पास, कैजुअल लीव लगाओ, नहीं कर पा रहे हो तो आप पेड लीव होगा वो लगाओ, इतने सारे तो लीव होते हैं यार आदमी को, जरूरत पड़े तो आप सिक लीव भी लगा सकते हैं। ये सब क्या करोगे रख के अपने अकाउंट में, ठीक है। पेड लीव मात्र 300 से ज्यादा आपको जिंदगी भर के नौकरी में नहीं जमा होता है, 4 साल में केवल एक बार आपको 30 दिन का पेड लीव इनकैशमेंट होता है। कैजुअल लीव रख के क्या करोगे, सिक लीव रख के यूज करो ना, पेड लीव सबसे बढ़िया यूज करने का, ठीक है, ओके। और अगर आप 9 साल 2 महीना नौकरी कर लेते हैं ना तो आपके अकाउंट में 300 पेड लीव जमा हो जाएगा, 301 पेड लीव भी होगा तो लैप्स कर जाता है, ये सब तो पता ही होगा आपको।
यूज करिए इसको, ठीक है। और ये पास करना जरूरी है, जेबी एक ऐसा चीज हो गया ना कि नहीं करिए तो बड़ा बेइज्जती वाला चीज हो जाता है, ठीक है, करिए। और अगर आप फेल भी कर जाते हैं, ठीक है, तो ये कोर्स आपके पास लाइफ लॉन्ग है, ये जो भी कोर्स कर रहे हैं आपके पास लाइफ लॉन्ग है, तब तक रहेगा जब तक कि आप पेपर पास नहीं कर जाते, ठीक है। तो सारा डाउट क्लियर हो गया, चलिए अब हम लोग कोर्स में चलते हैं, ठीक है। मैंने समझ से काफी समझा दिया, मैंने समझ में आ गया होगा, जिनको समझ में आया होगा मेरे समझ से वो आज से ही मेहनत करेंगे। आप जैसे पढ़ो, किताब से पढ़ो, बुक से पढ़ो, कैसे ही पढ़ रहे हो या कोर्स करो, पर पढ़ो, निकल जाओगे। हाँ, कोर्स करने से बेनिफिट होता है कि आपको सबसे बड़ा चीज होता है गाइडेंस, वो मिल जाएगा, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कौन बनाएंगे, कौन छोड़ेंगे, फिर आपको पूरा बनाया बनाया केक टाइप से मिल जा रहा है, 20 घंटे का कोर्स, खाइए, निकल जाइए, ठीक है, पास कर जाइए। आपको जो कोर्स करना है, ठीक है, वो है फेस टू फेस वीडियो कोर्स, ओके। अब इसमें क्या रहता है वो मैं बता देता हूं। आपको कोर्स कौन सा करना है? फेस टू फेस वीडियो कोर्स करना है, ठीक है। इसमें आपको फुल वीडियो लेक्चर्स होता है, यानी जो आपका किताब का बुक है मैक में, उसका पूरा वीडियो लेक्चर कोर्सेज रहेगा। फेस टू फेस का मतलब ये होता है जैसे मैं अभी आपके बोर्ड पे सामने खड़ा हूं, कैसे खड़ा हूं, बात कर रहा हूं, बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, बता रहा हूं, बिल्कुल ऐसा ही होता है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। सारा पॉइंट्स लिखा रहता है बोर्ड पर, मैं इसको वन बाय वन करके आपको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, एकदम बच्चे की तरह समझाऊंगा, आपको हंसते खेलते समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो फोन करके पूछ सकते हैं। दूसरा चीज क्या है, केस स्टडी बोलिए, या फिर आप इसको न्यूमेरिकल का वीडियो भी बोल सकते हैं, इसका भी वीडियो आपको रहेगा। तीसरा चीज रहेगा आपको पीडीएफ में नोट्स रहता है, सॉरी, नोट्स रहेगा आपका पीडीएफ में, क्वेश्चन बैंक रहेंगे आपके, ये भी पीडीएफ में रहता है। और इसके दो पार्ट है, एक है प्रीवियस ईयर, मतलब 20 साल का क्वेश्चन होता है, ये कलेक्शन किया हुआ 20 इयर्स क्वेश्चन है। फिर उसके बाद रहेगा आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और उसके बाद रहेगा आपको मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको 10 रहेगा पर पेपर, 10 × 3 हो गया 30 मॉक टेस्ट रहेगा, ठीक है। अगर आप जेआईबी का प्रिंसिपल्स करते हैं, या फिर आप लीगल करते हैं, कोई पेपर करते हैं, तो इसका प्राइस है ₹1200। अगर आप जेआईबी का अकाउंटिंग का पेपर करते हैं तो इसका प्राइस है ₹1500। या फिर अगर आप जेआईबी का कॉम्बो पैक करते हैं, तीनों पेपर हो गया, ठीक है, ऑल थ्री, तो इसका दाम है ₹3000, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो गया 4×9 685127, दूसरा नंबर है 7827546946। आप वेबसाइट में जाके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट है www.jaiibcaiibstudymaterial.com।
ठीक है, और ईमेल आईडी हो गया sidsinha123@gmail.com। थैंक यू।